हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आकाश गुप्ता एंड आई विल टीच यू साइंस ऑफ क्लास एट। बेटा मैं आपको क्लास एट की साइंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इसमें पढ़ाने में क्या रहेगा, हम आपको वीडियो बना के भेजते रहेंगे आपके ग्रुप में और असाइनमेंट भी भेज देंगे जिससे आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको वीडियो से कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसको आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। मैसेज कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं, जैसे भी आपको सूटेबल पड़ेगा आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बट आप बेटा नोट्स बनाते रहिएगा और हम आपको क्या करेंगे, वीडियो बना के भेजते रहेंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए, हम पढ़ाने से स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, पहले साइंस की डिफिनेशन क्या होती है उस पर डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज साइंस, बेटा साइंस क्या होता है? तो साइंस क्या होता है बेटा, एक नॉलेज है और ये नॉलेज क्या है, स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक के साथ साथ ये सिस्टमेटिक भी होता है, तो साइंस इज अ स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज। सो वे कैन राइट दिस स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज इज नोन एज साइंस। बेटा साइंस क्या हो गया, स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज हो गया, ठीक है। और देखिए, और भी साइंस की डिफिनेशन है बहुत सारी, एक और हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए साइंस की डिफिनेशन क्या रहेगी, तो हम और भी कह सकते हैं, साइंस इज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। साइंस क्या होता है बेटा, नेचुरल स्टडी होती है, नेचुरल फिनोमिना की स्टडी होती है, ठीक है। और ये किस पर बेस्ड होता है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और मेजरमेंट पर। सो वी कैन राइट दिस, साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना एंड इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड मेजरमेंट। ठीक है बेटा, ये हो गया, ठीक है। तो वी हैव टू डेफिनेशन ऑफ साइंस, द फर्स्ट इज स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज इज नोन एज साइंस एंड द सेकंड इज साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना, इट इज बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड मेजरमेंट। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब देखिए बेटा, साइंस की जो स्टार्ट करने से पहले, साइंस जो आपका बुक है, आपका आपके बुक में क्या है बेटा, यहाँ पर जो है स्टार्टिंग से हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। हम इसलिए नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि जैसे पहला चैप्टर आपका हो जाएगा क्रॉप प्रोडक्शन है, एंड सेकंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, थर्ड चैप्टर है आपका सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। और उसके बाद आपका स्टार्ट होता है मटेरियल्स। तो बेटा जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, इसको दूसरे मैम पढ़ाएंगे, दूसरे सर पढ़ाएंगे, या हो सकता है राणा मैम पढ़ाएं आपको, क्योंकि ये क्या है, बायो से रिलेटेड है बेटा, और बायो हम नहीं पढ़ाते हैं। तो जो आपका पहला चैप्टर है वो क्रॉप प्रोडक्शन है, एंड मैनेजमेंट है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और दूसरा चैप्टर जो आपका है वो सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स है, नहीं सॉरी यार, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है,
एंड थर्ड इज सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। ये बेटा आपके बायो वाले सर जो भी रहेंगे वो पढ़ाएंगे इसको। इसके बाद जो आपका फोर्थ चैप्टर है वो मैं पढ़ाऊंगा। अब फोर्थ चैप्टर से मैं पढ़ाऊंगा। जो फोर्थ चैप्टर है आपका चैप्टर फोर, और चैप्टर फोर कौन सा है बेटा आपका? मटेरियल्स है। मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बेटा ये आपका हो जाएगा फोर्थ चैप्टर। और फोर्थ चैप्टर आपका क्या है? मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बेटा आप देखिए, इसमें पहले क्या आता है? मैटर का डिफिनेशन आता है। पहले मैटर आता है कि व्हाट इज मैटर। तो आप लोग तो जानते होंगे मैटर क्या होता है। तो मैटर एनीथिंग विच हैज मास मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज नोन एज मैटर। सो वी कैन राइट दिस एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक बेटा, ये मैटर की डेफिनेशन हो गई आपकी। अब देखिए मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो नेक्स्ट स्टडी इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो देखिए बेटा, मैटर का क्लासिफिकेशन अलग अलग बेस पर किया गया है। तो हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे यहाँ पर फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ये हो गया आपका मैटर, और मैटर आपके टू टाइप्स के हो जाएंगे। द फर्स्ट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन, पहले हम क्या करेंगे बेटा? फिजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे मैटर का। और दूसरा रहेगा इसमें, दूसरा बेस्ड रहेगा केमिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड। फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर के बेटा ओनली थ्री पार्ट, थ्री टाइप्स हैं। फर्स्ट है सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड द थर्ड इज गैस। ये बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन है। बट अब देखिए केमिकल क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे तो वी हैव मेनली टू टाइप्स ऑफ मैटर। द फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंस एंड द सेकेंड इज मिक्सचर। आप देखिए बेटा, प्योर सब्सटेंस में क्या हो जाएगा? इसके भी टू टाइप्स हैं। फर्स्ट आपका आता है एलिमेंट एंड द सेकेंड इज कंपाउंड। मिक्सचर में बेटा दो आएंगे आपके, एक होमोजीनियस आएंगे और एक हेट्रोजीनियस आते हैं। एंड हेट्रोजीनियस और देखिए बेटा, आपका जो एलिमेंट है, एलिमेंट को हमने थ्री पार्ट में डिवाइड किया है। ए वाला है आपका मेटल, बी है नॉन मेटल
एंड द थर्ड इज मेटलाइड। ठीक है बेटा, ये मैटर का क्लासिफिकेशन हो गया। तो मैटर के क्लासिफिकेशन में आपके क्या है बेटा, हमने दो बेटों को क्लासिफाई किया है, फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल में सॉलिड लिक्विड गैस है एंड केमिकल में आपका प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर है। प्योर सब्सटेंस में दो टाइप है, एलिमेंट एंड कंपाउंड है। एलिमेंट आपका थ्री टाइप्स में है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइड है। जो मिक्सचर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस है। तो बेटा अब हम लोग आगे इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और जो हम आपको असाइनमेंट भेजेंगे बेटा उसको आप नोट्स में लिख लीजिएगा, बाकी आप वीडियो पे समझ लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बेटा पूछ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।